दीदी खाता तऽ आब खुलि गेलै छै, पहिले जे छै क्या इंतजारमे रहियै हमरा आरके से खाता कहिया खुलतै। लोन चालू हेतै तऽ हमरा आरके सुखी से रहती, कोनो काम चलेबै करबै खेबै, इएह सब बात हमरा आरके चाहै रहियै। से ओहिमे हमरा आरके समूहमे जुटलियै, गरीब आदमी छियै, हमरा आरके कोनो आशा नहि छै। दिक्कत था यही कि खाता नहीं खुल रहा था, दीदी सब बोलती थी कि खाता नहीं खुलता है, पैसा का जरूरी है, पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग जिस लिए समूह में जुटे हैं काम नहीं हो रहा है। कोई दीदी बोलती थी हम नहीं रहेंगे, तो कोई दीदी बोलती थी हम निकल जाएंगे, यही सब दिक्कत होता था। ऐसे घर थे जो कि जिनको आज के दिन में कोई पूछने वाला नहीं था, वो महिला दीदी हमारे समूह में एकत्रित हुए और उनको बहुत सारे समूह में आने के बाद उस दीदी को पूछते थे, दीदी क्या हुआ आपके समूह में तो जुट गए हैं, तो सीएम भैया टाइम पे मीटिंग लेते हैं, हमारे सीसी भैया आते हैं, उनको पूरा निगरानी उनको फील्ड पर करते हैं। जब वहाँ पे वो बैंक लिंकेज के लिए हमको बराबर आके पूछे बैंक मित्रा भैया मेरा लोन क्या हुआ, हमको जमीन लेना है, हमको बकरी लेना है। देखिए लिखा हुआ होगा कि समूह का बचत बैंक खाता समूह के निकटवर्ती डैश बैंक की शाखा में खुलवाया जाए, मतलब जो बैंक है उत्तर बिहार है तो लिखेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बालूटोला बैंक SBI है तो लिखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ का है तो भारतीय स्टेट बैंक, वो रखिए। खाता नहीं खुलने के कारण जीविका से भी लोगों को कुछ जो परियोजना से सहायता राशि दी जाती है वो भी नहीं मिल पा रही थी, बैंक से भी वो लोग जो मांग करती है ऋण का तो वो भी नहीं हो पा रहा था उन लोगों का। यहाँ पे ब्रांच में हम लोग को जो समस्या था, सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग से संबंधित बहुत बड़ी समस्या थी। 1675 लगभग SHG ग्रुप्स हैं और 706 मात्र अकाउंट ओपनिंग हुआ है, बहुत बड़ा गैप है। इसको फुलफिल करने के लिए जब तक हम बेहतर ढंग से हम लोग सेंसिटाइज नहीं कर लेते हैं, तो हमारे हरराम सर ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने रीजनल मैनेजर को गाड़ी में बैठा के और जो ब्रांच मैनेजर थे उनको लेके 2-3 SHG का विजिट करवाया और किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है SHG महिलाएं ने उनको बताया कि अकाउंट ओपन नहीं होने से बस सेविंग ही हो पा रहा है लेकिन वहाँ से कुछ पैसा नहीं ले पा रही हैं, जबकि उनके बगल की SHG जो दीदी हैं वहाँ पर अगर अकाउंट ओपन हो गया तो वो लोग लोन ले रही हैं लेकिन ये लोन नहीं ले सकती क्योंकि अकाउंट ओपन ही नहीं है, नहीं हम लोग ICF दे पा रहे हैं और नहीं हमारा क्रेडिट लिंकेज बैंक से हो पा रहा है, तो पैसे का वहाँ कंप्लीट चौक था, कुछ पैसे थे ही नहीं, तो बस सेविंग सेविंग सेविंग, वो भी एक फेडअप आ गया था वो में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सब प्रॉब्लम उन्होंने उनके साथ शेयर किया, काफ़ी वो सेंसिटाइज हुए। फिर हमारा हरराम सर का ब्रांच मैनेजर्स का काफ़ी अच्छा लाइजनिंग करके उन्होंने संडे को टाइम लिया और संडे को उन्होंने वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं बताए कि हम लोग 100 अकाउंट कल आपका खोल देंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर हम लोगों ने बात किया कि ठीक है 100 अकाउंट आपका कितना टाइम में खुलेगा, बोले मुश्किल से 5 घंटे में हम लोग आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बस यही बोले कि ठीक है आप 5 घंटे याद रखिएगा, 100 अकाउंट याद मत रखिएगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने यहाँ पर आके अपने जो हमारे CC सभी लोग थे, हमारे सब हरिराम सर सभी लोग बैठ के हम लोग बातचीत किए कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, चलिए हम लोग कुछ इस पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। फिर हमने भी अपने कुछ दोस्तों से बातचीत की कि जो SBI में ऑलरेडी हैं और हम ये जानना चाहें कि जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं कि SHG मतलब का बैंक अकाउंट होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है। तो हमने देखा था कि जैसे अगर ये फॉर्म है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जाके लास्ट में जाके उनको देखना पड़ता है, फिर जाके वापस यहाँ करना पड़ता है, फिर जाके लास्ट SHG फॉर्मेशन, तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोग करते हैं उलटते और फिर वो बहुत दिक्कत होती है। तो उसमें कम से कम हम लोग देखते हैं कि अगर डायरेक्ट हमने कुछ सोचा कि डायरेक्ट उनको एक टॉपशीट बना के दे दिए जाए कुछ इस तरह का जिसमें कि कम्प्लीट हमारा तैयार रहेगा, SHG का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर, उसका डेट ऑफ इशुएंस, प्लेस ऑफ इशुएंस और SHG फॉर्मेशन का डेट कंप्लीट तैयार रहेगा, जो कि हमारे पीछे एक CC रहेंगे और वो कंप्लीट सबसे बोलते चले जाएंगे और वो एंट्री करते चले जाएंगे। ये हम लोग का पूरा प्रोसेस था। तो ये अगर ये हम जल्दी जितना फास्ट हमारे CC बोलेंगे और जितना जल्दी एंट्री होगा इस पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं तो लगभग कम से कम 2.5 से 3 मिनट का हम लोग को प्रॉफिट होता है, 2.5 से 3 मिनट या कम से कम इसको हम देखते हैं तो लगभग 100 अकाउंट पर 2.5 से 3 मिनट यानी 250 या 300 मिनट का फ़ायदा होता है, यानी कम से कम 4 से 5 घंटा का प्रॉफिट और 4 से 5 घंटा यानी कि अनदर कम से कम 100 अकाउंट हम लोग का एडिशनल आउटपुट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग पूरे प्रोसेस में देखें कि वो 5 घंटे के वादा किए थे और उस 5 घंटे में हम लोग 100 से 200 अकाउंट को कंप्लीट करवा लिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था उस दिन जो D-Day था, फाइनल डे, उस दिन हमारे CCSE कम्प्लीटली चार्ज थे, एकदम हर लोग एकदम जहाँ भी जो फॉर्म मिले जिस हालत में हो उसको कंप्लीट करना है उनको, जैसे भी था, अगर कहीं फोटो नहीं है तो बस साइकिल लेके दौड़े जा रहे हैं,
जहाँ भी दीदी हैं वहाँ पर बस उनका फोटो तुरंत खींचे, तुरंत यहाँ डेवलप कराएं, तुरंत साटें। मुहर नहीं है, जहाँ भी मुहर मिले जल्दी जल्दी एकदम सब कुछ एकदम बहुत फास्ट उस दिन हो रहा था। और उस दिन इतना अच्छा, इतना हम लोग को उमंग लग रहा था कि हम लोग का इतना बड़ा कठिनाई, एक एक साल से हम लोग जो जूझ रहे थे ये समस्या को लेकर के, और बड़ी आसानी से वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में वहाँ पे और एक एक दिन में सारा का शाम होते होते सारा का अकाउंट खुल गया। इससे अब हम लोगों को लग रहा है कि अब जो भी पेंडिंग वर्क था वो मेरा ख़त्म हो गया। अब मेरा जो हम लोगों का जो एक साइकिल वाइज है कि SHG बनाना, अकाउंट ओपनिंग कराना, अब वो सिस्टम से होते रहेगा। बहुत अच्छा लगा। लगभग हम लोग 200 अकाउंट SBI वासुदेवपुर में खुलवा लिए हैं, उसका सब यहाँ लिस्ट हो गया है। हड़बड़ी में सब उस दिन खाता खुला तो सबका अकाउंट नंबर आ गया है यहाँ पर, लेकिन पासबुक उस दिन इशू नहीं किए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि 5-5 समूह के दीदी को सबको हम लोग वहाँ भेजेंगे रोज रोज, ठीक है, अपना अपना ये फोटो लेके जाएंगे और 500 रुपया जैसी वहाँ पासबुक निकलेगा और 500 रुपया जमा कर देंगे तो पासबुक आप लोग को हो जाएगा। हम यहाँ पे अक्टूबर 2011 में आए हैं। इसके पहले तो जीविका का कोई लिंकेज नहीं हुआ था। हम आए तभी यहाँ पे काम शुरू हुआ उसका। अकाउंट हालांकि कुछ खुला हुआ था पहले से। अभी फ़िलहाल परसों शायद 2 महिलाएं आई थी, उसका हम लिंकेज किए थे। हम बोले पैसा लेना है तो वो बोली नहीं सर अभी पैसा लेके क्या करेंगे, अभी तो खेती का समय नहीं है, हम लोग मकई लगाएंगे। तो मकई का समय नवंबर से शुरू होता है सर, उस समय हम पैसा लेंगे। हम बोले क्यों, अभी तो लोन कर दिए, लीजिए पैसा, काम कीजिए और दूसरा काम कीजिए। नहीं सर पैसा लेंगे तो सूद देना पड़ेगा हमको। देखिए ये मेंटलिटी पहले नहीं थी। पहले लोग चाहता था कि बैंक से हमको पैसा मिले और हम यहाँ से भागें, फिर बैंक लौट के नहीं आएंगे। लेकिन अभी देखिए मेंटलिटी चेंज हो रहा था। जीविका के द्वारा जो भी काम किया गया उसको बताया गया कि तुम अगर लोन लोगे, पैसा दोगे या जीविका के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसको लौटाओगे तो फिर हम तुमको देंगे। अभी 5,000 दे रहे हैं तो बाद में 10,000 का ज़रूरत पड़ेगा तो 10,000 देंगे। जीविका के द्वारा स्वयं सहायता समूह का जो गठन किया गया है उसका काम करने में हम लोगों को बहुत आनंद आता है। जैसे कि खास करके उसका क्रेडिट लिंकेज, मतलब लोन देना, समूह को लोन देना, जीविका के द्वारा जितना भी समूह का गठन किया गया है उसमें हम लोगों का पैसा लोन देने पर डूबता नहीं है। पैसा का रिकवरी बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि जीविका का इसमें पूरा टीम लगा हुआ है, बहुत से एम्प्लाई लगे हुए हैं ग्रामीण से लेकर शहर तक। सबसे बड़ी बात है रही कि हम यहाँ के जो RM हैं अजय कुमार पंडित, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूँकि उनका जो है पॉजिटिव जीविटी के इसके लिए, जीविका के लिए काफ़ी उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है और मैंने हर एक रिस्पेक्ट में जो है हम लोग को सपोर्ट देते हैं। और दूसरी चीज़ है मैंने SBI के द्वारा जो अभी पिछले 4-5 साल से सहयोग है जो हम लोग को मिला है वो बहुत अच्छा मैंने है इस क्षेत्र के लिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो सहयोग मिल रहा है हमारे पूर्णिया के लिए तो दूसरे जगह में भी इसको देख के, अरे जो है उपलब्धि है उसको दूसरे जगह के भी जो है RM जो है इस तरह का सहयोग प्रदान करेंगे। अंत में अगर हम कंक्लूड करना चाहें इस पूरे प्रोसेस को तो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग मुझे यही मिली है कि जब भी कोई अगर ब्रांच मैनेजर से अकाउंट ओपन करने के लिए अगर हामी भरता है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड इन कैश दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस कंप्लीट हम लोग जो प्रोसेस जो किए हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मुश्किल से उनके पीछे 3-4 महीना लगते हैं तब जाके एक बार हामी भरते हैं। और एक बार अगर हामी भर दिए तो ट्राई करना है कि एकदम उस कम से कम टाइम में कितनी अधिक से अधिक हम फॉर्म का अकाउंट ओपनिंग करवा दें। दूसरी तरफ से ये देखना है कि बैंकर्स के तरफ से कितना हम स्मूथ करें प्रोसेस को, कितना स्मूथ कर दें कि ताकि उनको भी SHG का अकाउंट खोलने में काफ़ी इंजॉय लगे। भगवान हमारे समूह बैठक में, राम जी भी आई लखन भी आई, राम जी भी आई लखन भी आई, शिव जी जे आई भगवान हमारे समूह बैठक में, आया मैं शिव भगवान हमारे समूह बैठक में।